ओके जी, तो जो दो बेसिक हमारी प्राइमरी डिवाइसेस थी रिलेटेड टू द सीसीएनए, उनकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी और कुछ बेसिक कमांड से हमने इंट्रोडक्शन लिया, और जो बेसिक कमांड मोड्स थे हमारे पास, इनेबल मोड, प्रिविलेज एग्जीक्यूटिव मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, उनको हमने समझा भी और उन पर काम भी किया। अच्छा, लैब के अंदर जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है, आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं उन पर, जो है मैंने आपको लास्ट टाइम कंसोल कनेक्टिविटी दिखाई भी थी, ठीक है ना। और जब मैं लाइव सेशन ले रहा था आप लोगों के साथ, उस वक्त भी मैंने कनेक्टिविटी दिखा दी थी। अब होता क्या है कि लैब के अंदर आपका टाइम स्लॉट स्पेसिफिक होता है, सो लिहाजा उतना प्रैक्टिस का टाइम आपको मिल नहीं पाता है। तो डेफिनेटली फिर जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर जब मैं आपको डिफरेंट तरह के सिनेरियोस दूंगा लैब की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आपने पैकेट ट्रेसर को यूज करना है। सिस्को का अपना सिमुलेटर है, ठीक है, इस पर आप अपनी पूरी की पूरी लैब डिजाइन कर सकते हैं, पूरी की पूरी लैब्स को आप कॉन्फिगर कर सकते हैं, और सेम एज इट इज जैसे कि हमारा फिजिकल इक्विपमेंट काम कर रहा होता है एसोसिएट लेवल पर, ये जो पैकेट ट्रेसर है आपके लिए एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट के अंदर काम करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप कोई और टूल यूज करना चाहते हैं फॉर द लैब प्रैक्टिस, तो GNS3 भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हमें सेशन के दौरान टाइम मिलता है तो मैं GNS3 पर भी आपको लैब की इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बोसोन का लैब सिम आता है, ठीक है जी, बोसोन का लैब सिम भी अवेलेबल है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ अदर एप्लीकेशंस जो पैकेट ट्रेसर के अलावा भी अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने दो मजीद एप्लीकेशंस भी आपको बता दी हैं, ताकि आप अगर उनको यूज करना चाहें तो आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास GNS3 आता है, ठीक है ना, और एक हमारे पास इसके अलावा बोसोन का लैब सिम आता है, ठीक है जी। इसके अलावा भी और कई ओपन सोर्स के टूल्स अवेलेबल हैं। मकसद आपको ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है एसोसिएट लेवल तक भी, इवन दो अब तो खैर पैकेट ट्रेसर को इन्होंने खासा एडवांस कर दिया, अपग्रेड कर दिया है, ताकि आप मजीद भी लैब सिनेरियोस क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। चलें जी, हम आगे चलते हैं। और अब जब मैं आपको लैब सिनेरियोस दूंगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, तो उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाएगा, और पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट फिर आपने नेक्स्ट सेशन के अंदर वो सारी की सारी लैब्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर करनी होंगी। मैं जरा आपको प्रीवियसली मैंने दिखा दिया था कि क्या टेम्पलेट्स होंगे। राइट नाउ ये देखिएगा, इस तरह की लैब्स हमने डिजाइन करनी होंगी, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड लैब्स राइट नाउ, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टअप के अंदर हैं, हमने अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है। तो आप देखिएगा कि हमने एंड डिवाइसेस को भी यहाँ पर कनेक्ट करवाया है, देन ऊपर हमने एक स्विच लिया है, फिर देन राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी, एक हमारा सेंट्रल ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस से ISP की कनेक्टिविटी, और फिर इंटरनेट पर ऑनवर्ड्स हमारे पास कनेक्टिविटी चल रही है। तो ये एक बेसिक लैब डिजाइन है, इससे आगे जाके फिर आपने मजीद एडवांस लैब जो है कॉन्फिगर करनी होगी, और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपने अकॉर्डिंगली करनी होगी। मैं ये रिकमेंड करता हूँ के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके हैंड्स ऑन स्किल्स जितनी अच्छी होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब आपको काम करने का मौका मिलता है, तो वो स्किल्स बाय टाइम और क्या हो जाती हैं, ग्रूम हो जाती हैं। अब आप कॉन्सेप्ट लेके ये चलते हैं कि ओके, जब इंडस्ट्री में जाएंगे, जब जॉब करेंगे, तो एट दैट टाइम फिर हम जो है इन कमांड्स को देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये राइट टाइम होता है। वेन यू आर डूइंग द सर्टिफिकेशन, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पैकेट ट्रेसर से ले लेते हैं, ताकि आपको लैब डिजाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके बाद फिर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ चलेंगे, जिसमें हमने फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। तो मैं बिल्कुल एक ये पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने क्लाउड आईडी पर जो है उसको अपलोड कर दिया, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS, ठीक है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप वहां से भी उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंस्टॉल्ड होने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ये एक ब्लैंक की स्क्रीन आपको दिखाएगा, और इस ब्लैंक की स्क्रीन को आपने
गौर से समझ लेना है, ठीक है जी। और बाय टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके इसके जो एनवायरनमेंट है, यूजर इंटरफेस है, वो बहुत फ्रेंडली है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको, ठीक है जी। अच्छा अब हम यहाँ चलते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही मैंने हिट किया तो उसने मुझे कहा कि जी ये राउटर्स हैं। राउटर्स पर मैं क्लिक करूंगा तो वो जितने भी राउटर्स के मॉडल्स करंटली अवेलेबल होंगे वो सब के सबको दिखा देता है। तो अगर मुझे जिस भी मॉडल का राउटर चाहिए है तो 2811 का राउटर जनरली हम यूज करेंगे और इसी से हमारे सारे के सारे काम हो भी जाएंगे, ठीक है। तो 2811 का राउटर आपने यहाँ उठाया। अच्छा ये राउटर का सिंबल है, ठीक है ना। इसके इनसाइड जो है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होंगी। तो जब कभी भी आपके पास कोई कंपनी के अंदर भी डॉक्यूमेंट आता है, ये वाला आइकन बना हुआ हो, तो इस वाले आइकन से आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वो आपको बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास राउटर लगा हुआ है। तो ये सिंबॉलिकली भी यही सिंबल हम यूज करते हैं। जब मैं डायग्राम की तरफ जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाऊंगा, तो वो एक अलग सेशन में आप लोगों का दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ दूसरे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहे जी स्विचेज हैं लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए। ये देखिएगा मुख्तलिफ मॉडल के स्विचेस भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है जी। और ये देखिएगा स्विच को आपने यहाँ से इस आइकन पे क्लिक, जिस आइकन पे भी आप क्लिक करेंगे, माउस की को होल्ड करेंगे तो वो जहां पर भी आप उसको ड्रॉप करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपने ये काम करना है। इसको हम यहाँ लगा देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा मामला आसान हो जाए। अच्छा जी स्विचेस की कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था जी एक लेयर 2 स्विच होता है जो मैक एड्रेस पर काम करता है और एक लेयर 3 स्विच होता है जो आईपी एड्रेस पर काम करता है। थ्योरेटिकल सेशन हम रैप अप करके आ चुके हैं, लिहाजा अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। राइट नाउ अब हम उस डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। ये देखिएगा ये लेयर 3 स्विच का सिंबल है, इस पर क्लिक करें और इसको यहां पर उठाकर ले आइएगा। तो अगर इस तरह का कोई सिंबल आपको नजर आ रहा है कि इन साइड एक सर्किल बना हुआ है और सर्किल के अंदर जो है वो डिफरेंट एरोज लगी हुई हैं, तो वो लेयर 3 स्विच का सिंबल होता है, और जबकि लेयर 2 स्विच का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है। कोई भी वेंडर हो, वो आपके पास जूनिपर भी हो सकता है, वो एचपी भी हो सकता है, वो डेल भी हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन उनके सिंबल्स का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखिएगा हब्स आपको दिखा रहा है। अब हब्स हम यूज नहीं करते हैं, ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, लिहाजा हम इस आइकन को नहीं देखेंगे। यहाँ पर आएंगे तो वायरलेस डिवाइसेस आपको बता रहा है, पूरा लैब इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से आप डिजाइन करना चाहें आप डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा अब आपको कहता है वायरलेस राउटर चाहिए लिंक इसका, तो ये लें जी, ये आपके पास जो है वायरलेस राउटर का आप देख रहे हैं, दो एंटीनास के साथ दो सींग निकले हुए हैं इसके। और इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिकली इक्विपमेंट्स को देखते हैं तो वायरलेस के जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं ये विदाउट एंटीना भी होते हैं, इसमें टू और मोर देन टू एंटीनास भी अवेलेबल होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल ऑफ द डिवाइस, तो विदाउट एंटीना भी हो सकता है, विद एंटीना भी हो सकता है, और नंबर ऑफ एंटीनास डिफरेंट क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में भी हो सकते हैं। इसकी पूरी अगर आप वायरलेस ट्रैक देखेंगे तो सिस्को ने पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन वायरलेस ट्रैक पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। खैर बहरहाल हमें एक वायरलेस राउटर चाहिए था, हमने वो वायरलेस राउटर यहाँ पर क्या कर लिया, पिक कर लिया है, ठीक है जी, ये हमारा काम था। अच्छा जी अब अगर हम नीचे वाले आइकन्स पर जाते हैं तो ये देखिएगा वो कहते हैं जी एंड डिवाइसेस अवेलेबल है। एंड डिवाइसेस हम डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं, क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या पर्पज है इनका, राइट क्लिक। ये देखिएगा जी अब वो एंड डिवाइसेस में कहता है आपको पीसी चाहिए है, यहाँ से उठा लें, पीसी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा आपको लैपटॉप चाहिए है, लैपटॉप आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सर्वर्स चाहिए हैं, सर्वर्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप टेलीफोन चाहिए है, टेलीफोन जो जो इक्विपमेंट नॉर्मली हमारी जो नेटवर्क इंडस्ट्री है उसमें यूटिलाइज हो रहा होता है वो सारा का सारा इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये देखिएगा वॉइप की डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेस हम अपने लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे, यूज भी करेंगे, इनको कॉन्फिगर भी करेंगे और आप ने इन पर सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अच्छा जी अब अगर किसी कंपोनेंट को मैं रिमूव करना चाहता हूं तो जस्ट सिंपली उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। ये उसको सेलेक्ट किया
और आप अपने कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो भी ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये क्रॉस का साइन आपको नजर आ रहा है, ये क्रॉस का साइन उठाएंगे वो आपको दिखा रहा है डेल। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो कहता है डिलीट करना चाहता है, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ से भी कर सकता हूँ या इस पर सिंपली क्लिक करके मैं जिस भी इक्विपमेंट पर लाकर उसे प्रेस करूंगा तो वो उस इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ये देखेगा डिलीट कर दिया उसने, राइट। ओके जी, हम आगे मूव करते हैं बाय टाइम, जैसे जैसे हमें जहां जहां जरूरत पड़ती रहेगी मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देता रहूंगा, लेकिन राइट नाउ हम चलते हैं। और यहां पर ऊपर हमें एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, और यहां पर देखिएगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कहता है ये कनेक्शंस के लिए है। कनेक्शंस पे मैं क्लिक करूंगा तो जितनी केबल्स होती हैं वो सारी की सारी फिजिकल मीडिया आपके पास आ जाएगा। और फिजिकल मीडिया में ये देखिएगा जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो वो नीचे आपको दिखा रहा है ये कंसोल केबल है, ब्लू कलर की कंसोल केबल, ठीक है ना। तो कंसोल कनेक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगी। इसी तरीके से ये देखिएगा, ये कहते हैं कॉपर स्ट्रेट केबल। आपको याद होगा हमने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी थी, तो ये वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है ना। और उसकी हमने कहा था कि जी हमारे पास स्ट्रेट केबल भी होती है, क्रॉस केबल भी होती है। स्ट्रेट कहाँ यूज होती है, क्रॉस कहाँ यूज होती है, हम उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अच्छा, अब हम यहां से इन सिस्टम्स को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मैंने कॉपर की स्ट्रेट केबल उठाई और मैंने लाकर इस सिस्टम पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे कहते हैं फास्ट ईथरनेट पर क्लिक करना चाहते हैं, मैंने कहा यस डेफिनेटली, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास ईथरनेट कार्ड यूज होता है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर ले जाकर स्विच पर, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जैसे आप स्विच पर देख रहे होते हैं, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको कि उसकी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, तो आपको आप पोर्ट्स दिखा रहा है, ठीक है ना। 2 गीगा ईथरनेट है और बाकी सारी की सारी क्या अवेलेबल है, फास्ट ईथरनेट अवेलेबल है। तो वो कहते हैं जी क्लिक करवाएं, जिस भी पोर्ट पर आप क्लिक करेंगे वहां पर ये कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो आप देखिएगा बैक एंड पे जो है ना ये थोड़ी देर के लिए ऑरेंज रहेगा और उसके बाद सेशन एस्टेब्लिश होकर आपको सारा का सारा लिंक ग्रीन सिग्नल दे देगा कि नाउ दिस पोर्ट इज अप एंड रनिंग, ठीक है जी। ये 2-4 सेकंड और लेगा मेरा ख्याल है और उसके बाद ही उसको कनेक्ट करवा देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर्वर को कनेक्ट करने के लिए भी सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर, आपने यहां क्लिक किया और फास्ट ईथरनेट 02 पर। लेकिन क्योंकि सर्वर मशीन है, सर्वर मशीन को हम बहरहाल गीगा ईथरनेट पर लेकर जाते हैं, तो यहां पर हमने गीगा ईथरनेट का ऑप्शन। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, आपने देखना ये कि आपके सर्वर पर ट्रैफिक कितना फ्लो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक आपने डिसीजन लेना है। आप फास्ट ईथरनेट पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, गीगा ईथरनेट पे भी, और 10 गीगा के ईथरनेट कनेक्शन पर भी आप इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। खैर, हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, ये देखिएगा वो वाला सेशन हमारे पास क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। और अब हमने मजीद जो भी आईपी एड्रेसेस और कॉन्फिग्रेशन और बाकी के जो भी मामला है वो हम कर सकते हैं। ये देखिएगा ये ग्रीन हो गया हमारे पास, ये दूसरा भी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है मैंने, ठीक है ना। स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी है, सेम डिवाइसेस हैं, तो सेम डिवाइसेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा क्या यूज करेंगे, क्रॉस केबल यूज करेंगे। तो ये देखिएगा पहले हमने स्ट्रेट केबल यूज की थी, नाउ हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे, या इसको रोल ओवर केबल भी, क्रॉस केबल को हम जो है उसके लिए सेम डिवाइसेस के दरमियान कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और जो रोल ओवर केबल होती है फिर उसको हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करेंगे। ओके जी, हमने क्लिक किया और हमने कहा गीगा ईथरनेट एक अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम यहाँ कनेक्ट करवा देते हैं। इसने कहा यस आई हैव अनदर गीगा ईथरनेट। ये देखेगा स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, अब ये देखें दरमियान से आपको कट कट के नजर आ रहा है, तो ये भी एक सिम्बॉलिकली हम क्रॉस केबल को शो करवाते हैं कि क्रॉस केबल जहां पर भी लगी हुई होगी वहां पर हम डॉटेड केबल लगाएंगे, ठीक है, ताकि जब कभी भी डॉक्यूमेंट हम रीड करें, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आए तो वहां पर हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि जी ये हमारे पास जो है क्रॉस केबल यहाँ पर लगी हुई है। इसी तरीके से हमने राउटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं और अगेन फास्ट इथरनेट को यूज किया हमने और यहाँ पर भी हमने सेशन सेलेक्ट कर लिया और ये देखे। अच्छा, अब ये देखिएगा बाकी सारी की सारी पोर्ट्स ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गई हैं, लेकिन स्विच और राउटर के दरमियान जो कनेक्शन था वो रेड ही रह गया।
उसकी वजह ये है कि जो लेयर टू और लेयर थ्री के स्विचेस होते हैं बाय डिफॉल्ट इनकी सारी की सारी पोर्ट्स क्या होती हैं, इनेबल्ड होती हैं, ठीक है। जबकि राउटर जो है क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरनेट पर कनेक्ट हो रहा है, सो लिहाजा उसके किसी भी इंटरफेस को बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं किया जाता, वो बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। आप उसको क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। इसको हम इनेबल करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पोर्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली तौर पर अप हो जाएगी। तो स्विच जो अगर लेयर टू का है या लेयर थ्री का है तो उसमें जो उसके इंटरफेसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, जबकि राउटर का कोई भी इंटरफेस बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है। अच्छा, अब हम जरा एक कंसोल कनेक्टिविटी ले लेते हैं ताकि हम इस राउटर को बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले ली थी, ठीक है ना। और ये देखिएगा केबल्स में हमने ब्लू कलर उठाया और ये दिखा रहा है। अच्छा, अब हम फास्ट इथरनेट नहीं सेलेक्ट करना। आपको याद होगा ये DB9 टू RJ45 की केबल है और DB9 जो कंसोल कनेक्टिविटी होती है उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं RS232 का। ये हमने कनेक्शन दिया और ये देखें ब्लू कलर की केबल, और यहाँ पर हमने किस में लगा दिया, कंसोल पोर्ट पर लगा दिया, ठीक है। अब जैसे हमने कंसोल पोर्ट पर लगाया, हमने इसको ऑन किया, हमने कहा जी डेस्कटॉप पर लेकर जाएं, ये देखें बिल्कुल जैसे नॉर्मल डेस्कटॉप बिहेव करता है वैसे ही। अब टर्मिनल जैसे हमने वहां पर पुटी किया था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टर्मिनल करेंगे। जैसे हमने टर्मिनल किया वही देखें बिड रेट वगैरह जो हम प्रीवियस पढ़कर आ चुके हैं, हमने ओके किया। जैसे हमने ओके किया तो वो हमें राउटर के कंसोल पर लेकर आ गया और यहाँ पर हमने इसको कहा नो। जब हमने नो किया सेम एज इट इज, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि जी हमारे पास जो है इनेबल मोड आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने प्रिविलेज मोड पर जाना है, ये देखिएगा ग्लोबल कॉन्फिग्रेशन पर जाना है, ये देखें। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, एक इंटरफेस जो है वो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट राउटर के तमाम इंटरफेसेस जो है वो शट डाउन होते हैं। ये देखिएगा ये इंटरफेस को हमने यहां से जरा वेरीफाई कर लेना है। ये देखें फास्ट इथरनेट 00 पर हमने कनेक्ट किया था, उसने दिखा भी दिया हमें फास्ट इथरनेट 00। सो लिहाजा हम यहां पर जाते हैं, कहां पर आ रहा है जी मेरे पास, ये रहा जी, ठीक है जी। हमने कहा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस कौन सा था, हमने कहा जी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, सेम कमांड, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं, इंटरफेस, तो मैंने इंटरफेस लिख दिया। टाइप क्या इंटरफेस की, फास्ट ईथरनेट, तो मैंने फास्ट ईथरनेट। अगर गीगा ईथरनेट यहां पर होता तो फिर मैं क्या करता, गीगा ईथरनेट, ठीक है ना। लेकिन इस राउटर पर कोई गीगा ईथरनेट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, फास्ट ईथरनेट है, सो मैंने फास्ट ईथरनेट उठा लिया। अच्छा, अब वो मुझे कहता है जी नंबर बताएं, तो मैंने कहा 0/0, क्लियर। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, मैं यहां से भी देख सकता हूं और वो जब मुझे वहां दिखाएगा, ये देखिएगा ये देख फास्ट ईथरनेट 0/0 दिखा, इंटरफेस का नंबर है जैसे स्विचेस के इंटरफेसेस के नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। मैं यहां पर गया और मैंने कहा जी नो शट डाउन, ये शट डाउन है, तो शट डाउन का अपोजिट क्या होगा, नो शट डाउन, इनेबल कर दो इसको, ऑन करो इसको, नो शट डाउन किया, वो देखे पीछे इनेबल हो गया हमारे पास, लाइन प्रोटोकॉल अप चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। तो ये कुछ जब आप पैकेट ट्रेसर पर लैब डिजाइन करने जाएंगे तो वो सारे के सारी जो चीजें हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अब से आपको टास्क मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। ताकि आप लैब के अंदर तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आपने क्या करनी है, जो भी लैब की सबमिशंस होंगी वो आपने LMS पर अपलोड कर देनी है ताकि उसको चेक किया जा सके, और अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपडेट किया जा सके, ठीक है जी। तो आई होप दैट के अब तक के जो सेशंस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव करेंगे और अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी पहली लैब को प्रॉपर वे में परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर हम एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करेंगे और छोटे से सिनेरियो के अंदर हमने फिर इंटरमीडिएट डिवाइसेस को भी मैनेज करना है और एंड डिवाइसेस को भी मैनेज करते हुए सारी सर्विसेज पर काम करना है, ठीक है जी। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल रैप अप द सेशन। ओके जी, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं अगर होगा तो इंशाल्लाह आप लैब के दौरान पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी और फिर उसमें हम मजीद आगे की लैब्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।